हेलो मैम, कैसे गया एग्जाम? दो मिनट टाइम दीजिए। अच्छा गया एग्जाम? अच्छा गया, दो मिनट खड़ा रुकिए। आप भी एग्जाम देकर आ रहे हो या आप आ जाओ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और 72 हटा दिए, थोड़ा सा ये हटा मुझे। 87 अटेम्प्ट कर दिया। 87 पेपर का? अरे भाई बढ़िया बढ़िया। अच्छा एग्जाम था आपका? बताओ फिर रिव्यू दो। नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम हाजिर हो चुके हैं SSC CGL एग्जाम सेंटर पर। अभी हम रिव्यू करेंगे पेपर का। बच्चे है निकल रहा है तो हम जानेंगे पेपर का लेवल कैसा रहा, टफनेस लेवल क्या, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस कितने हैं, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। तो चलिए एग्जाम बढ़िया है भाई। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 87 कर दिए। थोड़ा सा ये हटा मुझे। 87 अटेम्प्ट कर दिए भाई। 87 पेपर का लेवल कैसा आ रहा है भाई? जी के तो कहीं टॉपिक का ही दस क्वेश्चन हुए बस। जी के तो पहले से ही टफ आ रहा है। जी के में से कितने क्वेश्चंस कर? 10 ही क्वेश्चन करे, 10 या 11 ही करे बस। कितने 10 11। ओके, मैथ की लेवल कैसी है? मैथ ट्रिक ज्यादा है, ट्रिक ज्यादा पूछ रहा है। जैसे प्रॉफिट लॉस पूछ रहा को, पर घुमा पूछ रहा को। मैथ में से एडवांस मैथ से कितने सवाल आ रहा है? बराबर लेवल, मतलब एडवांस मैथ कहीं सवाल ही कम से कम 8-9 सवाल कम से कम थे। और एलजेब्रा से कैसे सवाल आ रहा है? एलजेब्रा के साथ 2 सवाल थे पर ट्रिकी है, मतलब घुमा पूछ रहा है, सिंपल ना पूछ रहा है। एक पूछे घुमा के। मैथ में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? मैथ पूरे कर दिए 25। अच्छा 25 के भी। चलिए आपका मैथ फिर स्ट्रांग रहा। हाँ मैथ ठीक था मेरा। अच्छा अच्छा, इंग्लिश में पूरे कर दिए। इंग्लिश भी पूरे कर दिए। कितने ओवरऑल अटेम्प्ट किया आपने? 87। चलिए ऑल द बेस्ट। हेलो मैम, कैसे गया एग्जाम? दो मिनट टाइम दीजिए। अच्छा गया एग्जाम। अच्छा गया, दो मिनट खड़ा रुकिए। आप भी एग्जाम देकर आ रहे? ओके ओके, वो साथ में आया। ठीक है, कैसा गया एग्जाम? एग्जाम अच्छा गया। ओके, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? 74। या थोड़ा सा रुकिएगा, 74। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे पेपर का लेवल कैसा है? पेपर का लेवल जो था वो मीडिएट था, ना ज़्यादा टफ था ना मॉडरेट था। मॉडरेट था, हाँ जी। ओके, मैथ से कैसे कैसे सवाल आए? सॉरी, मैथ से कैसे सवाल आए? मैथ से जो मोस्टली क्वेश्चन आए थे ना, वो जैसे थीटा वगैरह के क्वेश्चन आए थे, और जो वर्क एंड होता है वर्क वगैरह क्वेश्चन वो ज़्यादा आए थे। एडवांस मैथ से कैसे सवाल आ रहा है? सॉरी, एडवांस मैथ से? एडवांस में से 1-2 क्वेश्चन आए थे बस। एस में मैंने अराउंड 18 किए थे। 18 18 किए थे। और बाकी क्वेश्चन, बाकी जैसे इंग्लिश जी के, फिर रीजनिंग, इनमें से कैसे किया? रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग मैंने 25 प्लस किए थे, और इंग्लिश मैंने 30 प्लस किए थे। ओके, तो कौन सा सेक्शन आपको सबसे टफ लगा? सबसे टफ मेरे को जीए लगा। जीएस? बिल्कुल। जनरल एवर में कैसे सवाल आए? 1-2 क्वेश्चन आप बताओ। 1-2 क्वेश्चन जैसे कमीशंस के क्वेश्चन आए थे, और इतने मुझे याद नहीं बिकॉज वो मेरा बहुत वीक है। कितने क्वेश्चन किए जीए में से? जीए में मैंने बस 10 ही क्वेश्चन किए। 10 ही क्वेश्चन किए, और बाकी पोर्शन का कम्प्लीट कर दिया? हाँ जी, इंग्लिश मैंने पूरी की थी, और रीजनिंग मैंने बताया 30 प्लस की थी, और इंग्लिश भी मेरी ऐसी थी। ओके, फिर आपका सही रहेगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो दोस्तों, और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। भैया आप आ जाओ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और 72? हाँ जी, पेपर का लेवल मॉडरेट था। रीजनिंग मतलब अच्छे से कर सकता हूँ, कोई 23-24 क्वेश्चन आराम से। इंग्लिश का भी लेवल अच्छा था, मतलब ईजिली था, डुएबल था, कोई भी कर सकता था। मैथ 1-2 क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्ड से, 3-4 क्वेश्चन आपके वो हाइट एंड डिस्टेंस। इंग्लिश में से कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं? इंग्लिश में दो एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स फिक्स हैं, और 2 आपके क्या बोलते हैं एक्टिव वॉइस, 1 नरेशन से, एंड देन 5 आपके पैस क्या बोलते हो क्लोज टेस्ट से। क्लोज टेस्ट भी इजी है, अगर किसी ने किया तो आराम से कर सकता है। और जी के का अनएक्सपेक्टेड जिसको हम कह सकते हैं, उसका कोई कहते ना विस्तार नहीं है, कहीं से भी पूछ रहा है। रिसेंटली जो स्पोर्ट्स वगैरह हुए हैं वहाँ से पूछा था। मेरे में 2 क्वेश्चन थे, 35 नेशनल गेम्स का और 36 नेशनल गेम्स, दोनों क्वेश्चन आए थे कि वो कहाँ पे आयोजन हुआ था उनका। तो जितने भी स्पोर्ट्स हैं आगे, जिनने मतलब जो भी पेपर देने आएंगे वो अपना तैयारी करके आ सकते हैं, जो भी रिसेंटली स्पोर्ट्स गेम हुए हैं उनसे 1-2 क्वेश्चन बनने आ रहे हैं। डांस फेस्टिवल से, नदियों से, इनसे व्यक्ति पूछा गया है कि कौन किससे रिलेटेड है, तो वो आप करके आ जाएंगे नेक्स्ट शिफ्ट वाले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सुना है जीएस में कोई भी मतलब फुल टेस्ट मतलब फुल नहीं कर पा रहे? फुल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी तो क्वेश्चन मतलब काफ़ी डीपली पूछ ले रहा है इधर उधर से। ज़्यादातर डांस वगैरह के हैं, स्टैटिक्स के ज़्यादा हैं क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन से भी 1-2 क्वेश्चन थे। डांस से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? कि ये जो व्यक्ति है ये किससे रिलेटेड है ऐसे, ठीक है, कि इस वाले जो जैसे कोई भी डांस है तो इसका मतलब किससे ये बना है, मतलब ये जो कोई भी भाषा देते हैं कि ये किससे ली गई है, लाइक दैट। चलिए ऑल द बेस्ट।
अरे भाई बढ़िया बढ़िया। अच्छा एग्जाम था आपका, बताओ फिर रिव्यू दो भाई। और कितने क्वेश्चंस कर गए आप? मैं 74 किए सर। 74 क्वेश्चंस। हाँ ओके। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? पेपर का लेवल जीएस का तो मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चन जीएस में इस बार थे कि जीएस में स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो बहुत टफ आया है। नहीं नहीं है? इस बार इजी आया है जीएस का, थोड़ा कुछ क्वेश्चन कह सकते हैं मॉडरेट है, जो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, ओके। और नॉर्मली स्टूडेंट 10 क्वेश्चन कर सकता है जीएस के, और थोड़ा टिफिकल आ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के, ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स। इतना ही 10, 12, 15। ओके आर्ट एंड कल्चर से क्या क्वेश्चन आ रहा है? एक डांस से क्वेश्चन आ रहा है, और पर्सन को रिलेट पद्म भूषण जिस चीज को मिला 2022 का, उससे रिलेट पूछा किससे रिलेटेड है, कौन से डांस से। इसका क्वेश्चन पूछा था, हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। अब पॉलिटी का क्वेश्चन था, से क्या क्वेश्चन? आर्टिकल 22 था पॉलिटी का क्वेश्चन। आर्टिकल से कितने क्वेश्चन पूछे गए? एक क्वेश्चन था, साइंस के 2 क्वेश्चन थे, बायो से वो भी बायो से था, और एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। अच्छा बायो से जो क्वेश्चन आ रहा है वो डुएबल है या फिर हार्ड क्वेश्चन आ रहा है? थोड़ा हार्ड है, डीपली पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट को, ऐसे नहीं थोड़ा ऊपरी ऊपरी पढ़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा अच्छा। टोटल आपने कितने किया? मैं 74 किया। 74। मैथ का लेवल कैसा है? मैथ में एडवांस मैथ से क्या क्या कैसा वाला है? मैथ्स का वो एक टेंजेंट वाला क्वेश्चन आया था, टेंजेंट का क्वेश्चन आ रहा है, और हाँ और मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन का आया था एक, और एक इसका आया था स्लेंट हाइट का क्वेश्चन आया था, इस टाइप से क्वेश्चन ये पूछ रहा है, और परसेंटेज से सर क्वेश्चन पूछे उसने। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था थोड़ा, ये प्रीवियस ईयर के बेस पे था पर क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर से भी आया? हाँ प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट कर रहा है ऑलमोस्ट 17-18 क्वेश्चन कर जाएगा वो आराम से। अच्छा आपने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? मैंने सारे प्रीवियस ईयर किए थे तो मुझे मालूम है, इसलिए। सारे क्वेश्चंस किए आपने मैथ के? प्रीवियस के नहीं, मैथ के मैंने 22 क्वेश्चन किए बस अभी। अच्छा, तीन थे उसमें टाइम कर सकता था, पर टाइम टेकिंग था इससे दूसरे और क्वेश्चन मूव ऑन कर ले स्टूडेंट। ज़्यादा कैलकुलेटिव था क्या? हाँ ज़्यादा कैलकुलेटिव था वो। ओके रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग तो ईजी आ रही है, दो तीन क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं सीरीज के, जो एक क्वेश्चन आ रहा है डिफिकल्ट जो सीरीज का, और ऑलमोस्ट स्टूडेंट 23 क्वेश्चन तो कर जाएगा सर। इंग्लिश का लेवल? इंग्लिश का लेवल पूरा प्रीवियस ईयर के बेस पे, बस एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट हमारी, और ऑलमोस्टली इंग्लिश का लेवल बिल्कुल इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, हार्ड नहीं कह सकते इंग्लिश का। इंग्लिश में जो भी आप पढ़ गया है, जो भी प्रैक्टिस किया था वो आया आपके? हाँ प्रीवियस ईयर की बुकअप मिली है सारी, इसमें से बस एक अलग से बुकअप मिली थी, बुकअप इजी आ रही है स्टूडेंट कर सकता है। पैसेज भी इस बार इजी था इस वाली शिफ्ट का हमारा, तो ओवरऑल अच्छी तैयारी की थी। हाँ हाँ ठीक। कितने सालों से आप SSC CGL की तैयारी? मुझे सर 2 साल हो गए, प्री का भी दिया मेंस भी दिया था इस बार, CGL का उसमें नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। तो अब इस बार फिर दे रहा हूँ प्री का। आपका चैनल भी है शायद, मैंने देखा था आपको YouTube। सब्सक्राइब कर लेना भाई अमित सरकारी चैनल को। अमित क्या नाम था? सरकारी चैनल को। यस भाई का भी चैनल है तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अमित सरकारिया करके है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ऑल द बेस्ट।